तो कैसे हैं आप? वेलकम टू छोटे छोटे शॉप। तो ये तो सारी शेयर्स जो मैंने आज अप्लाई की हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और फिर अगर दिल करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा प्रोडक्ट फॉर रिव्यू स्वॉचेस एंड एप्लीकेशन भी लिपस्टिक है, और वो भी मेबेलिन सुपर स्टे वेनाइल इंक लॉन्गवेयर लिक्विड लिपस्टिक। तो चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो लिपस्टिक है वो है ये पीची 15। इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूड पीच शेड। मेबेलिन क्लेम करता है कि इट्स अ बज रेजिस्टेंट वेनाइल कलर, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हिलता ये अपनी जगह से, और ये इट लास्ट अप टू 16 आवर्स ऑन योर लिप्स। तो मैं इसके लिए आपको ये बताऊँ कि मैंने इसको 6 घंटे के लिए वेयर किया था। उन 6 घंटों में सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्लॉस शाइन जो है उसको फ़र्क पड़ा था, थोड़ी सी कम हुई थी। अदरवाइज इसका अपना पिगमेंट, इसका अपना शेड बिल्कुल भी नहीं हिला था इसकी जगह से, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अभी लगाया हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेबेलिन का अपना क्लेम बिल्कुल सही प्रूफ हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट शाइन फिनिश। अच्छा, मैंने आपको इसका लिप्स वॉश दिखा दिया, हैंड्स वॉश दिखा दिया, अब देखते हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर जो हल्की सी एक शाइन आई है ना, वो इसका जो एक अपनी शाइन जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो इस पर जरूर ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इस पर इसका कलर नहीं ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसपेरेंट शाइन है। कुछ amazing. भी खाते पीते ये कितना ट्रांसफ़र हो सकती है, उसका आइडिया देने के लिए मैंने आपके लिए एक और टेस्ट किया, ताकि आपको इसका ट्रांसफ़र का लेवल का आइडिया हो जाए। कर लेते हैं कि ये ट्रांसफ़र कुछ खाने पीने से होती है नहीं होती है। तो मेरी चाय आ गई है एंड विथ माई फेवरेट कुकी दाम कुकी, मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ। पूरा चाय का कप पिया, साथ में मैंने कुकीज़ लिए। कप पे जो ट्रांसफ़र हुआ वो आपके सामने है, बिल्कुल हल्का सा, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। और लिपस्टिक नहीं है। तो ये है पीची 15 नेचुरल लाइट में, यानी सनलाइट में। तो चलिए अपने नेक्स्ट शेड की तरफ चलते हैं। दिस शेड इज कॉय, नंबर है 20। दिस इज़ ब्यूटीफुल मोवी टोन पिंक कलर। अच्छा, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इसको अप्लाई करने से पहले आपने कम से कम 5 सेकंड इसको मुसलसल हिलाना है, शेक करना है, और फिर आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका लिक्विड है, अपनी लिपस्टिक है जो, और जो भी ऑयल या ग्लॉस जो इसमें है, तो उसको मिक्स होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अच्छे से मिक्स करके फिर आपने इसको लिप्स पे अप्लाई करना है। ये सारे शेड्स मुझे एक जगह से नहीं मिल सके, तो ये मैंने मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदे हैं। जहाँ से मुझे अपनी मर्ज़ी का शेड मिल रहा था मैं वहाँ से इकट्ठे कर रही थी। हर जगह पे मुख्तलिफ प्राइस है इनकी, और मैंने जो सबसे महंगा शेड ख़रीदा है, मैंने ख़रीदा है 3900 का, और जो मैंने सबसे सस्ता शेड इसका ख़रीदा वो ख़रीदा 1949 का। ये है कॉय डायरेक्ट सनलाइट में, और ये है कॉय सनलाइट से रोशन, फुल रोशन कमरे में। तो पहले अब आप ये शेड देख लें, दिस इज़ द शेड गोल्डन, नंबर है 105। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने महंगे वाला शेड कहाँ से ख़रीदा और सस्ते वाला कहाँ से ख़रीदा। थोड़ा स्टिकी फील इसमें है, बहुत लाइट वेट फील नहीं होती, क्योंकि ये लॉन्ग वेयर है वन, और वो भी विद शाइन यानी ग्लॉस है, ग्लॉस शाइन के साथ है, तो इट्स नाइस फिर, क्योंकि जब आप ग्लॉस लगाते हैं तो फिर वो बिल्कुल लॉन्ग वेयर नहीं होती नॉर्मली, और वो फटाफट ख़त्म हो जाती है, वो इधर उधर ब्लीड करती है, लेकिन ये कहीं ब्लीड नहीं करती। आउटर लिप्स जो है मेरे डार्क हैं, तो वो इस शेड में आई कैन सी दैट। और मेरे लिए इस शेड का सिंगल कोट बिल्कुल भी एनफ नहीं था, क्योंकि मेरे लिप्स आउटसाइड से डार्क हैं, पिगमेंटेड हैं, तो उसके लिए मुझे इसका डबल कोट करना पड़ा, और यहाँ पे मैं अब डबल कोट कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस कदर हसीन तरीन ये शेड निकल के आया है, और फुल ओपेक कवरेज ये देता है अगर आप इसको डबल कोट कर लेते हैं। इट्स ब्यूटीफुल हसीन तरीन ब्राइट पीच कलर। तो ये है शेड गोल्डन इन नेचुरल लाइट। नेक्स्ट शेड देख लेते हैं, इट्स पेपी, नंबर इज़ 115। इट्स ब्यूटीफुल डस्टी रोज टाइप ऑफ कलर, जो मतलब वार्म पिंक टाइप कलर है, बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट और प्यारा सा कलर है, और बहुत वेरिएबल कलर है। तो जो बात हमने अपनी अधूरी छोड़ी थी बीच में, उसे पूरा कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में, कि सबसे महंगे वाली जो मैंने ख़रीदी थी 3900 की, वो मैंने कहाँ से ख़रीदी थी? वो ख़रीदी थी शॉपहॉलिक से, और जो मैंने सबसे सस्ते वाली इस शेड में ख़रीदी थी, तो वो भी कोई सस्ती नहीं, लेकिन बाकी से कंपेरेटिव मैंने जो इसकी मुझे कम प्राइस मिली 1949, वो मैंने ख़रीदी थी वेगस.पी की। ये है पेपी इन नेचुरल लाइट।
हमारा अगला शेड है सॉसी, नंबर है 65। बहुत खूबसूरत पिंक है ये भी और बहुत क्लोज शेड है ये, इसे पहले जो हमने अप्लाई किया था लिप्स पे शेड पैपी उसके बहुत क्लोज है ये। और लेकिन ये ज़्यादा रोज़ी पिंक की तरफ है, वो डस्टी रोज़ की तरफ था, ये रोज़ी रोज़ की तरफ, मतलब पिंक पिंक थोड़ा ज़्यादा है इसमें, वो डस्टी फील नहीं आती है जो पैपी में आती है। और बहुत खूबसूरत और वेयरेबल शेड है, ब्यूटीफुल। अच्छा, इनमें कुछ शेड ज़्यादा ओपेक हैं और कुछ कम, और जो कम ओपेक हैं तो उसमें अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हैं तो वो बहुत पैची फील देते हैं आपके जो ये लिपस्टिक लगाने के बाद, तो उसके लिए आपको एक सेकेंड कोट करना पड़ता है और फिर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि ये शेड नेचुरल लाइट में कैसा लगता है, ये वाला वीडियो का ये वाला पार्ट ये नेचुरल लाइट में रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट शेड है अनराइवल, नंबर है 30। मैं जब भी इस शेड को देखती हूँ मुझे इस शेड में बहुत ठहराव महसूस होता है। ये हर उम्र की लड़की पे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो 20s में हो अपने, चाहे 30s में, और 40s और 50s में भी ये बहुत अमेजिंग लगता है। रेड और पिंक का बहुत खूबसूरत इम्तजाज है इसमें, बेहद हसीन शेड। तो ये शेड अनराइवल इन नेचुरल लाइट। नए नए शेड्स लगाना और फार्मूलाज ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है जिसमें जब आपका लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हो और फिर उनको आपको रिमूव करना होता है, और जब बार बार आप रिमूव करते हैं, स्पेशली जब आप डार्क शेड्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर आपको अपनी फाउंडेशन सेट करनी पड़ती है, और एक फाउंडेशन और वीडियो दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ लिपस्टिक के नाम वाला पार्ट मिस हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये इस लिपस्टिक का नाम है रेड हॉट। देखिए तो आपको फील होगा ये आउटर साइड इसकी जो मेरे पिगमेंटेड है नज़र आ रही है, साइड्स ड्राई हो जाए फिर मैं दोबारा अप्लाई करूँगी। इसमें पिगमेंट मुझे ना अभी सही मिक्स हुआ हुआ नहीं फील हो रहा। ये शेड लिप्स पे काफ़ी ट्रांसलूसेंट लग रहा था फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, तो जब वो ड्राई हुआ तो मैंने इसके बाद दोबारा फिर अप्लाई किया था। और हम एंड ऑफ द वीडियो तक पहुंच गए। ये बहुत ही खूबसूरत ऑरेंजिश रेड शेड है, बिल्कुल बहुत फ्रेश जो है लुक देता है। ये दांत आपके सारे चिटे चिटे लगने लग जाते हैं। इस लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आपके लिप्स बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, और इसको लगाने से पहले आपने इसके कंटेनर को शेक करना है 5 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। कुछ शेड जिसमें पैची है ज़्यादा, और उनका पैची वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके इस लिपस्टिक के सेकंड कोट के साथ ही। तो चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो सिर्फ विनाइल इंक के लिए नहीं है, वो हर लिक्विड लिपस्टिक के लिए, कि उसको ड्राई होने का टाइम देना है आपने। मेरी तरह फ़ौरन बोलना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्योंकि शेड्स करने थे और मेरा काम थोड़ा लंबा था, तो मुझे ये था कि मैं इसको बार बार मैंने साफ़ करना है, तो मैं इसको इसके वेट होते होते ही मैं साफ़ करूँ ताकि उसमें आसानी होती है, वरना अदरवाइज़ इसको ड्राई होने के बाद रगड़ के इसको साफ करना पड़ता है। लिपस्टिक के ड्राई होने से पहले अगर हम कोई बातचीत करते हैं बोलते हैं तो जाहिर है कि वो दांतों पे भी लगती है, तो दांतों पे अगर आपको हमें इस वीडियो में कहीं लगी नजर आए तो उसके लिए माजरत एक्सेप्ट कर लें और उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और ये हमारा लास्ट शेड है, इसका नाम है विकेट, नंबर है 50। ये मैरूनी साइड पर जाता हुआ रेड है, और आप देख सकते हैं ये लिपस्टिक की एप्लीकेशन में जो कि मैं बार बार आज लगा रही थी, तो अब क्या हाल है साफ कर करके लिपस्टिक्स तो अब होंट चल रहे। ये शेड मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके और अपनी पसंद के लिए है मेबेलिन की इस रेंज के सभी शेड्स में से, मुझे ये सब पसंद है, मैं ये सभी लगाऊंगी। लेकिन अगर स्टिल इन 8 शेड्स में से भी पूछा जाए कि कौन से 2 मुझे बेस्ट लगते हैं, तो वो एक होगा सॉसी और दूसरा होगा गोल्डन। इस लास्ट शेड को भी नेचुरल लाइट में देखेगा, ये है नेचुरल लाइट के क्लिप्स। तो मिलते हैं लड़कियों अगली किसी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।